तेरे बाजो जीर लगदा मैं ते मर गई था आजा सोनिया। देखिए, सबसे पहले तो सिंगर होने के लिए आवाज का होना जरूरी है। ये नहीं होता कि अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे उस्ताद नहीं होते, होते हैं, आपको तलाश करना पड़ता है। उनके लिए जो सबसे मुश्किल वक्त होता है कि अरूज के बाद जवाल। मैंने अरूज में छोड़ दिया था म्यूजिक इंडस्ट्री को। एक इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा हो और उसके बाद आप फौरन उसी को बुरा कहने लग जाए तो अच्छी बात नहीं। 9 जून को एक और आ रहा है। सानू ते सोनी टोर लग दी नी, तेरी टोर लग दी नी, तू ता मोर लग दी। थैंक यू वेरी मच आज़िया मंजूर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन रजा साहब एंड कासिम अली फाउंडेशन जिन्होंने मुझे आज मधु किया। आई एम रियली फीलिंग ऑन ग्रेट वंडरफुल। अच्छा शाज़िया, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, लोग सिंगर्स बनना चाहते हैं, आजकल जो सिंगर्स आ रहे हैं वो बगैर उस्तादों के आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि सिंगर बनने के लिए किसी उस्ताद का होना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो सिंगर होने के लिए आवाज़ का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आवाज़ है और लोगों के कानों को अच्छी लगती है, क्योंकि आपको इर्द गिर्द ही बताता है, तो जब लोगों को अच्छी लगती है तो वो कहते हैं आप बहुत अच्छा गाते हैं, और वहीं से आपको अंदाज़ा होना चाहिए, शुरू हो जाता है कि आपको कोई अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई हुई है। उसके बाद जब आप इस फील्ड में आते हैं तो ऑब्वियसली ये भी एक इल्म है, मौसीकी भी, तो कोई भी इल्म हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई तो उस्ताद चाहिए, तो यकीनन उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। आजकल अच्छे उस्ताद अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपको गाइड कर सकें? आजकल तो पॉप है, बाकी सारी चीज़ें हैं उस तरह से चल रही हैं। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात तो ये कहती है कि हर ज़माने के लिए मैंने एक ऐसा आपके लिए ख़ास इंसान रखा हुआ है जो आपको किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि आप कहते हैं विजडम आप लोगों में स्प्रेड करते हैं, तो कोई अच्छी चीज़ मुझे आपसे भी मिल सकती है। ये नहीं होता कि अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे उस्ताद नहीं होते, होते हैं, आपको तलाश करना पड़ता है। असल में जो स्टूडेंट होता है वो तलाश करता है कि उसको कहाँ जाना है, तो अगर लोगों में सीखने की ख्वाहिश होगी और लोग चाहेंगे कि उनको कोई उस्ताद मिले, तो जब वो ढूंढने निकले तो खुदा भी मिल जाता है, तो ये तो उस्ताद। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सिंगर बनने के लिए जब मतलब आप भी सिंगर बनी, एक आवाज़ तो आपने बताया कि बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए, तो क्या मतलब एक्सरसाइजेज भी डिफरेंट जो हैं वो करनी होती हैं उसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि आप जितना मर्जी गाएं एक ना एक दिन तो गला बैठ ही जाएगा? गला तो खैर चीखने से भी बैठ जाता है, तो एक्सरसाइज तो यही होती है कि जब आप इस काम में आते हैं ऑब्वियसली फिज़िकल एक्सरसाइजेज भी होती हैं और मेंटल एक्सरसाइजेज भी होती हैं, दोनों तरह की करनी चाहिए। एक तो सोल एक्सरसाइज भी होती है आपकी, जितना प्योर सोल होगा उतनी वॉइस में आपके प्योर होगी, उसमें क्वालिटी होगी। तो इसी तरह गले की ट्रेनिंग के लिए अगर आपने ज़्यादा गाना है या बहुत ज़्यादा गाना है तो क्लासिकल ट्रेनिंग, या जैसे मैंने कहा इल्म हासिल करना, वो जो इल्म हासिल हम कर रहे होते हैं वही ट्रेनिंग होती है, वही हमारी एक्सरसाइज होती है, तो वो करनी चाहिए। ग्रेट वंडरफुल। अच्छा शादिया, जब मैं आपके साथ इंटरव्यू प्लान कर रहा था, आई एम सुपर एक्साइटेड एज वेल, माशाल्लाह यू हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट पाकिस्तान में, पाकिस्तान की म्यूज़िक में आपने एक नया टच दिया। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ टीनेज कि मैं चंद मेरे मखना बहुत शौक से सुनता था और घर राजा सोनिया, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग इट वाज। हमें ये बताइए कि सिंगर आपका बनना जो था वो आपने एज ए मतलब करियर जब चुना तो वो क्या चॉइस था या बाई चांस था? मेरी ख्वाहिश थी, और अगर आप ये सोचें कि आप जो करना चाहते हैं तो उसी पैशन को लेके आप उसी प्रोफेशन में आ जाएं, तो फिर वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये बाय चॉइस भी था और डेस्टिनी भी थी, ख्वाहिश थी मेरी, तो अल्लाह की ज़ात ने मेरी सुनी। मैं स्कूल से ही नात में और इतरानों में कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी, मेरी स्कूल टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद क्वीन मेरी कॉलेज में मिसेज अवान जो हमारी प्रिंसिपल हुआ करती थी, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको मोटिवेशन दे रहे हों और आपको ये लग रहा हो कि वो चाहते हैं कि आप कुछ बने, हालांकि आप भी चाह रहे होते हैं, लेकिन आपको वो लोग जो है वो समझने के जैसे प्रोवोक कर देते हैं कि भाई कुछ करो, कुछ बनो। तो थैंक्स टू एवरीवन जो भी मेरी ज़िंदगी में एक लम्हे के लिए भी इसलिए आया कि वो मेरी बेहतरी चाहता है, तो मैं उन सबका आज बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ग्रेट वंडरफुल। अच्छा, जब आप एक स्टार बन जाते हैं तो लोग जो हैं जहाँ पे तारीफ़ करते हैं वहाँ पर तनकीद भी करते हैं, तो जो लोग तनकीद करते हैं उनको आपका क्या आंसर होता है? कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं ज़्यादा मेहनत करना शुरू करती हूँ,
मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और उसमें कहीं कमी बेशी रह गई है तो मैं उसको उसकी तरफ फोकस कर लूँ, क्योंकि देखें आप एक टाइम में एक ही तरफ फोकस कर सकते हैं। यहाँ तो आप क्रिटिसिज्म की तरफ फोकस कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म की तरफ फोकस करें, उनमें आप देखें कि आपके फ़ायदे की कौन सी बात है और आपकी वो कौन सी ऐसी गलती निकाल रहे हैं शायद जो आपके अपने नहीं निकाल पा रहे हैं और वो कहीं अनजाने में ही आपकी इसलाह कर रहे हैं, तो मैं उनमें से कोई ना कोई ऐसी बात पकड़ के अपने अगले प्रोजेक्ट पर लग जाती हूँ। बेस्ट वे। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आया हो जिस पर सोचा हो यार कि ये वक्त बड़ा मुश्किल है, उसको कैसे हैंडल किया? हम लोग ना जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए जो सबसे मुश्किल वक्त होता है कि अरूज के बाद जवाल, उनको लगता है कि वो बहुत मुश्किल वक्त है। हालांकि मेरे नज़दीक अरूज का वक्त सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं और वहीं पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर जाते हैं कि जो हमें शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने अपने अरूज में बहुत मैं बहुत केयरफुल रही, मैंने कोशिश की है कि मैं जो मैं हूँ, जो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है, उसके अंदर ही रहूँ और उसमें रहते हुए जो कर सकती हूँ वो करूँ। तो ऐसा मुकाम जब मैंने अब 10 साल का आप जैसे कह रहे ब्रेक लिया, मैंने अरूज में छोड़ दिया था म्यूज़िक इंडस्ट्री को, म्यूज़िक को नहीं, म्यूज़िक इंडस्ट्री को, क्योंकि फिल्में कुछ इस तरह की बन रही थी। तो मैंने जब इस एक इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखा और उसके बाद आप फ़ौरन उसी को बुरा कहने लग जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं, मुझे लगा कि मैं मिसफिट हो रहा, मैंने छोड़ दिया। लेकिन उस वक्त पे मैंने ये सोचा कि यार मैं जब अपने अरूज में थी तो मुझे ये करना चाहिए था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो हसन साहब, सबसे मुश्किल वक्त होता है जब आप अरूज पे होते हैं। बिल्कुल ठीक। आपको बड़े लोग फॉलो करते हैं, माशाल्लाह यू आर अ ग्रेट सिंगर, आप किसको फॉलो करती हैं जो समीते की ये मेरा रोल मॉडल है? देखिए, मैं हर उस सिंगर को फॉलो करती हूँ जो जो कि प्योर म्यूज़िक, प्योर सोल के साथ गाता है, और मुझे किसी का भी गाना अच्छा लग जाता है। मैं मुझे जाते जाते कोई कानों में आवाज़ पड़े, मुझे अच्छा लगे, मैं गाने को ज़रूर सुनती हूँ जाके। जो जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो हैं मादाम नूरजहाँ जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली ख़ान साहब, सलामत अली ख़ान साहब। मैं इनका म्यूज़िक बहुत शौक से सुनती हूँ और इनके गानों में से अपने लिए बहुत कुछ सीखने का मौका जो है वो हासिल करती हूँ और सीखती भी हूँ। अच्छा शाज़िया, माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमबैक किया। अभी आपने बताया कि जिस तरह मतलब एक अरूज होता है उसके बाद बंदे पे जवाल भी आते हैं, लेकिन अरूज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। एग्रीड, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आप माशाल्लाह कमबैक भी कर गई हैं मार्केट में, अब आप ही गई हैं, लेकिन जब अब आप जहाँ भी जाती हैं लोग गिराना स्टार्ट कर देती हैं, लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले आपने जोगिन काजम को गिराया, फिर एलिज़ा, कोई तीसरा बंदा कौन सा है जिसको आपने गिराना है? नहीं, मैंने डॉक्टर एजाज वारिस को गिराया, उसके बाद भी 2-3 लोग थे जो अपनी खुद की खुशी से गिरे मेरे आगे। तो एक्चुअली मैंने गिराया नहीं था, मैंने एलिज़ा को उठाया था, वो स्लिप कर गई थी ब्राइडल टूर वीक में, मैंने उनको उठाया था, वो ट्रेंड बन गया। अब मैं टूर पर गई भी थी USA 2021 में, तो वेरी सक्सेसफुल टूर। तो उसके जो उसका एंड हुआ, उसमें मैंने वो एक लैम्बोर्गिनी में हम लोग पहुँचे थे एक शो पे, तो वो मैंने उसमें से उतर के गाना गाया, वो हिट हो गया। तो मेरा ये सारी बातें दोहराने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबान होती है और वो चाहती है कि जैसे आपने कहा कि अरूज और जवाल, मैं ये कहना बताना चाहूँगी, अरूज वो टाइम होता है जब आप प्लान कर लेते हैं। तो मैंने बाद में जब मैंने सब कुछ खुद से छोड़ा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की, लेकिन जो उसने प्लान किया हुआ था वो बेहतरीन था और वो आपके सामने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम आपसे ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक। एक हमारे फॉलोवर का क्वेश्चन था, आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑन हिज बिहाफ, कि जब किसी सिंगर पे जवाल आता है मेन रीज़न क्या होती है कि उस पर जवाल आता क्यों है? देखिए, मैं आपको आज एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में इस चीज़ को बताना चाहूँगी। वो एक्चुअली होता ही है कि जब एक क्रिकेटर भी या कोई भी किसी फील्ड में होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल फॉर्म में होता है, वो गलत शॉट भी खेलता है तो वो सिक्सर हो जाता है, वो कोई गलत डिसीजन भी लेता है तो कंपनी के फ़ायदे में चला जाता है। तो होता ये है कि जब आप फेम पे फेम और हिट पे हिट दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो एक बैड पैच भी आता है। वो जो बैड पैच आता है उसमें आप और अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। तो वो जब आता है तो वो उसके बाद मैंने जब जैसे उन्होंने कहा कि जवाल जो आता है वो किस वजह से आता है, वो यही होता है कि आप फॉर्म में होता है हिटिंग हिटिंग हिटिंग, तो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है कि आप थोड़ा सा सांस लें, क्योंकि आपने खुद से तो लेना नहीं, अगर आप करते जाएंगे तो करते ही चले जाएंगे।
तो वो एक वो भी उसका एक तरीका कार है, सिस्टम है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में कुछ लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, फ्यूचर को प्लान करने की और अल्लाह ताला से मदद मांगने की, तो वही होता है। अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है और कोई वजह होती है जवाल आने की। हाँ, एक बात ज़रूर है, आप में गुरूर ना है, तकब्बुर ना है। आप अपनी फेम को ये ना समझ लें कि आप में कोई सलाहियत ऐसी थी उसकी वजह से आप कामयाब हुए। आप कोशिश कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं, जस्तजू कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी और नाकामी तो इज़्ज़ो मंतुशा व तो ज़िल्लो मंतुशा, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वही करते हैं। वाओ, ऑसम। अच्छा, आपने बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब माशाल्लाह आपकी एल्बम जो है वो भी आ रही है और आप आ चुकी है और माशाल्लाह गाने बड़े हिट हो रहे हैं। मैं देख रहा था, व्यूज़ भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपने उसको प्लान किया और अब किस तरह से आप उसको जो है वो आगे लेके चल रही हैं। लेकिन 2 साल पहले हमने ये एक्सेप्शनल 12 एल्बम जो है प्लान करने शुरू की थी, और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं MRA, उन्होंने मुझे गाने लिख के दिए, कॉम्पोजिशंस दी, तो हम उस पर काफ़ी काम कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कि हमने करना क्या है आगे जाके। तो वो करते करते पहले गाना मेरा आया दिल मोड़ दे जन्नत मिर्ज़ा, वो अभी तक 6-7 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो गाना, 1 महीने पहले आया मेरा ख्याल है। उसके बाद मेरा दूसरा गाना आया तेरी लोड़ सदा, ये एक इंडियन प्रोजेक्ट है, यानी कि जो हम इंडियन पंजाब है हमारा, उसका ये प्रोजेक्ट है। तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया और बहुत अच्छा गाना, वो मैंने किया। उसके बाद मेरा जो ये लास्ट सॉन्ग है अभी जो आया, अभी 9 जून को एक और आ रहा है, तो ये जो आखिरी आया हॉली 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 टुरनी कुड़िए मोर लग दी, तेरी है जवानी चित चोर लग दी, हो बाकी सारी कुड़ियां दा तोड़ लग दी, सानू ते सोनी टोर लग दी नी तेरी टोर लग दी नी तू ता मोर लग दी। ये गाना, अब ये 3 गाने हैं, ये माशाल्लाह लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, और आज आपके फाउंडेशन के तवसुत से मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता सोशल मीडिया का दौर है और ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आया। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, जाते जाते सिर्फ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आपकी पहचान बना सॉन्ग, वो भी अगर आप हमारे फॉलोअर्स के लिए गुनगुना सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आजा सोनिया, आजा। कल्या गुजारा कि मैं रात कालिया डंग दिया मैनू रुता प्यार वालिया, तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था, आजा सोनिया ओ घर आजा सोनिया आजा सोनिया। अच्छा, आप हमें तो शादियाँ बता रही हैं कि माशाल्लाह सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आप ही बताइए कि आप कहाँ कहाँ हैं सोशल मीडिया पे? मैं ऑलमोस्ट हर जगह पे हूँ, लेकिन एक चैनल रह गया यूट्यूब, वो भी बहुत जल्द मैं अपना चैनल लॉन्च कर रही हूँ। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं शाजिया MMM पे, टिकटॉक पे मेरी आईडी है शाजिया मंजूर ऑफिशियल, फ़ैन पेज है मेरा शाजिया मंजूर ऑफिशियल के नाम से। तो ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलमोस्ट हर जगह हूँ, शाजिया मंजूर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, फॉलो कीजिएगा मुझे वहाँ पर। ग्रेट। अच्छा शाजिया, जिस तरह हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि जो हमारा म्यूज़िक है या सिंगिंग का जो प्रोफेशन है, वालदैन जो हैं वो उसको मायूस समझते हैं, वो समझते हैं ये इतना कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है, उस माइंडसेट को किस तरह से चेंज किया जाए, आप क्या एडवाइस करेंगी जो कि पेरेंट्स हमें देख रहे हैं? देखें, हमारे पास इस वक्त बहुत अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया। पहले तो वहाँ पर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि कोई भी फ़न या कोई भी काम या कोई भी एबिलिटी अगर इंसान में होती है तो वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होती है, तो उसको आप बिल्कुल भी डिस्करेज मत करें, उसको उन लोगों को इनक्रेज करें। और दूसरी बात जो आपने की कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं या कैसे किया जा सकता है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सोशल मीडिया का ही मीडियम यूज़ किया जाए और लोगों को इनक्रेज किया जाए, और वालदैन जो हमारे समझते हैं कि इस मिथ को कैसे तोड़ा जाए कि ये फील्ड जो है बुरी नहीं है। तो जब मैं आई थी मुझे बहुत रोका गया था, मुझे भी यही कहा गया था कि अच्छी फील्ड नहीं है, ये है ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जब मैंने काम किया और काम के बाद प्रूफ किया तो इसमें कोई शक नहीं है, मेरे वालदैन ने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं किया और इनक्रेज ही किया। तो आप अपने एक्शन से भी, कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आप अपने एक्शन से भी बता सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे जो एजुकेशन जितने सेक्टर्स हैं
उनमें भी ये चीज़ जो है हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जब एजुकेशन सिस्टम प्लान होता है या डिज़ाइन होता है तो म्यूज़िक को कहीं नहीं रखा जाता, तो उसको भी बीच में कहीं रखना चाहिए ताकि हम जो बच्चे आज गाना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके वालदैन नहीं बढ़ने देना चाह रहे तो हमारे उस्ताद आगे बढ़ें, हमारी टीचर्स आगे बढ़ें, हमारे इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ें, वो बताएं लोगों को कि ये बुरा काम नहीं है। इंस्टीट्यूशंस में आप देख रहे हैं हमने तो कॉलेज इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया है और मैं जाया करती थी अपने कॉलेज की तरफ से, बहुत सारे प्राइजेज लिए हमने। तो ये मैं समझती हूँ हमारी पूरी सोसाइटी का काम है कि माँ बाप को, क्योंकि बच्चे तो कन्विंस उस तरह से नहीं कर सकते, तो सोसाइटी का काम है कि वो आगे बढ़े और इस सेक्टर में भी कुछ काम करें। ग्रेट। अच्छा, कुछ रिसर्च मैंने की जब मैं आपका इंटरव्यू प्लान कर रहा था तो उस पर मुझे कहीं नज़र आया कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो एक मूवी है उसके ऊपर भी आपने मतलब कुछ सॉन्ग्स वगैरह कुछ इस तरह के, उस पर कुछ आप हमें बताना चाहें प्लीज़। जी बिल्कुल हसन, मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब की पहली और आखिरी फिल्म थी पल दो पल, उसमें सारे गाने मेरे थे, जैसे सजना तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे हैं। ये गाने थे और भी बहुत सारे गाने थे उस फिल्म में, आप YouTube पर जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान इज़ द वन एंड द ओनली, वो उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी और उनसे बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उनके सामने गाने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का, उनसे गाना याद करने का, सीखने का मौका मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सामने फेदर इन द कैप है और मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी मेमोरी है। थैंक यू वेरी मच शादो, यू वर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन, आई रियली एंजॉयड द होल डिस्कशन। थैंक यू सो मच हसन फॉर हैविंग मी, जज़ाकल्लाह, रियली एंजॉय। थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। आज हमारे साथ थे शाज़िया मंजूर, जिन्होंने हमारा नाम जो है इंटरनेशनल लेवल पे रोशन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।